हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, उसमें ही अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, दैट इज़ दी एनर्जी फ्लो। उसके साथ ही हम बात करेंगे इकोलॉजिक पिरामिड के बारे में भी। सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि प्रोडक्शन हुआ, प्लांट ने फूड बनाया, उसको किसी दूसरे एनिमल ने खाया, अल्टीमेटली वो डेड हुए और डिकम्पोजिशन हुआ। तो ठीक है, इसमें क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सनलाइट की, सनलाइट में से जो क्या फोटोसिंथेटिकली जो रेडिएशन अवेलेबल होती है प्लांट के लिए, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड दी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो उसी के लिए ही अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड पार रीजन। ये कितनी रहती है, अराउंड 50% ऑफ सनलाइट इतनी प्लांट को अवेलेबल होती है, बट प्लांट इसमें से ओनली 2-10% एनर्जी ही क्या कर पाता है, इसको फिक्स कर पाता है। तो आप देख सकते हो कि पूरा यूनिवर्स है, ये 2-10 एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, इस पे ही टोटल यूनिवर्स चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये एनर्जी किसके थ्रू ली जाती है और कैसे कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। सो सबसे पहले, एज यू नो, प्लांट विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ये क्या करते हैं, इस सनलाइट को फिक्स करते हैं। ओके, तो एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट अगर इसमें एक्वेटिक और हो गए तो क्या हो गया, फाइटोप्लांकटन। ओके, नाउ ये प्रोड्यूसर से इसका यूज कहाँ जा रहा है, कौन एनिमल इसको खा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गए, राइट। दूसरा नाम भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। एक और कैटेगरी होगी, क्योंकि यहाँ से कंज्यूमर बस स्टार्ट ही हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी प्राइमरी कंज्यूमर। समझ आ रही है ये टर्म्स, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर वो हर्बीवोर्स भी होते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो क्या क्या एग्जांपल होंगे, लाइक जू प्लैंकटन, ठीक है, बर्ड्स हो गए, जितने भी बर्ड्स कैटेगरी है वो सब भी इसी में ही आते हैं, लाइक काउ हो गया, ग्रास हॉपर, ओके, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। बर्ड्स जब सीड खाते हैं तो वो हर्बीवोर्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड बर्ड्स जब कोई इंसेक्ट खाते हैं तो वो कार्निवोर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इस कंज्यूमर हर्बीवोर्स को फिर दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी कार्निवोर्स, जिसको दूसरा नाम अब हम क्या बोल सकते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको अब दूसरा नाम क्या बोलेंगे, बिकॉज अब यहाँ से कार्निवोर्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी प्राइमरी कार्निवोर्स। समझ में आ रही है ना बात, यहाँ से प्राइमरी, बस यहाँ से स्टार्ट हो रहे कार्निवोर्स, उनको प्राइमरी दे दिया, बट कंज्यूमर कौन से हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आ गए बर्ड्स और फिशेस, दे कम्स इन दिस कैटेगरी, क्लियर है। नाउ यही कार्निवोर्स को भी फिर फर्दर टॉप मोस्ट कार्निवोर्स खाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अब ये कार्निवोर्स है तो इसको मैं क्या बोलूँगी, टर्शरी कंज्यूमर, या फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा, मैन, लायन, ठीक है, ये क्या है, दे आर ओमनिवोर्स टाइप ऑफ, ये सब कुछ खा सकते हैं, दे आर द टॉप मोस्ट, इस कैटेगरी में सबसे टॉप पे आते हैं। अब अगर ये भी डेड हो गए सपोज, तो अल्टीमेटली किससे डिग्रेड होंगे, थ्रू डीकम्पोजर, उसमें एग्जांपल क्या आएगा, फंगाई, सम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्टीमेटली इन सबको खाते हैं। ओके, नाउ अब आप देखोगे ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर, में भी अलग अलग कैटेगरी, सो दिस होल मेक अ चेन विच इज कॉल्ड फूड चेन।
जिसको ही हम फूड चेन बोलते हैं। अब एक फूड चेन ऐसे स्टार्ट हो रही है, हो सकता है साइड में कोई दूसरी फूड चेन भी चल रही है। अब उसमें से हो सकता है इस लेवल का जो है वो क्या कर रहा है, इस फूड चेन के किसी कंज्यूमर को खा रहा है, या हो सकता है उसके किसी प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो इंटरकनेक्टेड हो गई। सो देयर आर टू और मोर फूड चेन, क्या टू और मोर फूड चेन व्हेन दे आर इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड एट सम लेवल दैट इज नोन एज द फूड वेब। तो ये क्या बना रहे हैं, एक तरह से दे आर मेकिंग द फूड वेब। ओके, समझ आया। एक और चीज यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ना, हर एक लेवल पे कुछ ऑर्गेनिज्म सेटल्ड है। एक लेवल पे प्रोड्यूसर है, दूसरे लेवल पे हर्बीवोर्स है, देन कार्निवोर्स है। ये अलग अलग लेवल को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, द लेवल इन अ फूड चेन एट विच सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। क्या बोल रही हूँ मैं, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट एट सर्टेन लेवल इन अ फूड चेन आर कॉल्ड एज दी और इज कॉल्ड एज दी ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है ये ट्रॉफिक लेवल। ओके, नाउ ये जो फूड चेन है, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप। दिस फूड चेन इज टू टाइप, वन इज कॉल्ड द GFC, अनदर इज कॉल्ड द DFC। क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। क्या बेसिक डिफरेंस है, ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी इस फूड चेन की, प्रोड्यूसर से, देन उसमें कंज्यूमर्स होंगे, अगेन कोई दूसरा कंज्यूमर होगा, जो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना, दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में यहाँ पे क्या हो गया, हर्बीवोर्स और फिर कोई कार्निवोर्स आ गए। ठीक है, बट डेट्राइटस फूड चेन हमेशा यहाँ से शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी, डेड मैटर से, इस डेड को खाने वाले क्या, डीकम्पोजर से शुरुआत होगी। ये डीकम्पोजर क्या करेगा, जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उसको रिलीज करेगा, फिर प्लांट्स अगेन उसको यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे प्लांट्स से शुरुआत हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, डेड से, डीकम्पोजर से शुरुआत हो रही है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर है दोनों चेन। ठीक है, आगे चले। नाउ एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड दी स्टैंडिंग क्रॉप। सी, मैं जो पर्टिकुलर टर्म्स बता रही हूँ ना, दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्या होता है, हर एक लेवल पे, ओके, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ओके, नंबर ऑफ बायोमास, या फिर आप बोल सकते हो नंबर की जगह क्वांटिटी ऑफ बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन टाइम पीरियड इज नोन एज दिस स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, कि एक टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे, किसी भी लेवल पे जितना भी बायोमास है उस लिविंग सेल का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब हो सकता है कि यहाँ पे जितने प्रोड्यूसर हैं, सपोज 100 प्लांट्स हैं यहाँ पे, हो सकता है कि 1 month और 2 month के बाद हो सकता है उसमें से कुछ प्लांट मर जाए, 90 plant। तो ये क्या है, इसलिए मैंशन करना ज़रूरी है, एट सर्टेन टाइम पीरियड, किसी एक टाइम पीरियड पर जितना भी बायोमास है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, क्लियर। तो अभी जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इनको क्या, एक ग्राफ के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इफ़ वी, या वन मोर पॉइंट इसमें रह गया, एक पॉइंट और, हमने क्या बोला, एनर्जी फ्लो। अब देखो एनर्जी की बात यहाँ क्या हो रही है, बेसिकली ये सनलाइट की जो एनर्जी है उसको फिक्स कर रहा है, इसको ही हर्बीवोर्स खा रहे हैं, कार्निवोर्स खा रहे हैं। तो बेसिकली तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो ही हर लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो सनलाइट ही ट्रांसफ़र हो रही है। बट जब ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है इस लेवल पे, तो सिर्फ इसका 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होती है, फिर अगेन इसका भी सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यू कैन सी कि कितना कम एनर्जी ऊपर तक ट्रांसफ़र होता है, एंड स्टिल दिस होल यूनिवर्स इज सर्वाइविंग। ठीक है, पहले तो प्लांट ही सिर्फ 2 to 10% ही फिक्स करता है एनर्जी, उसका भी सिर्फ 10% ही वो नेक्स्ट लेवल पे भेजेगा, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जो भेजेगा वो अपना 10% भेजेगा। ठीक है, इसका 10% नहीं, इसके पास जितना भी है एनर्जी उसका 10% वो नेक्स्ट लेवल पे भेजेगा। तो हमेशा ऊपर जाएंगे तो एनर्जी नीचे सबसे ज़्यादा होगी,
ऑलवेज हमेशा ज़्यादा होगी, जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? चले आगे बात करें। अब हम बात करते हैं कि ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, अगर हम इनको ग्राफ्स के थ्रू क्या करें, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ओके, तो उसके बेसिस पे तीन तरह के पिरामिड होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर्स। अगर हम हर ऑर्गेनिज्म का हर ट्रॉफिक लेवल पे नंबर काउंट करके उसके बेसिस पे उसका ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम उसकी जगह क्या देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास, कि हर लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, या हम बात करें कि हर लेवल पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, सो पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉट, ग्रास लैंड। अगर एक ग्रास लैंड को लेके चलते हैं, एक ग्रास लैंड में अगर हम बात करेंगे तो पिरामिड कैसा रहेगा, इट इज़ ऑलवेज अपराइट। अपराइट यानी ऊपर की तरफ, कि बेस हमेशा ब्रॉड होगा, दैट इज़ द प्रोड्यूसर। तो यहाँ ग्रास लैंड में क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको हर्बीवॉर्स है जो यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कार्निवोर्स है, एंड उसके ऊपर भी फर्दर कार्निवोर्स है। तो क्या देख रहे हो, ग्रेजुअली दिस ग्राफ इज गेटिंग रिड्यूस, दिस इज कॉल्ड अपराइट, अपराइट ग्राफ। इसी का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक सपोज एक बहुत बड़ा ट्री है जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स के ऊपर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। अगर इसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं एक ट्री है, ठीक है, तो नंबर के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, एक ही ट्री है, अब उसके बहुत सारे बर्ड्स हैं तो नंबर बढ़ जाएंगे ना, ये बर्ड्स हो गए, ये ट्री हो गया, और इंसेक्ट्स तो इससे भी ज़्यादा है, तो ये इंसेक्ट हो गए। आप क्या देख रहे हो, ये वाले ग्राफ का ये ग्राफ टोटली ऑपोजिट है, दिस इज कॉल्ड इनवर्टेड, इनवर्टेड पिरामिड। ओके, तो नंबर के कंटेक्स्ट में ही अगर हम एग्जांपल डिफर ले तो पिरामिड डिफर हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ग्रासलैंड लिया तो अपराइट पिरामिड मिला, बट अगर मैंने एक ट्री का एग्जांपल लिया तो मुझे कैसा मिला, इन्वर्टेड पिरामिड मिला विद रिस्पेक्ट टू नंबर। अब अगर मैं सेम ये ट्री के एग्जाम्पल को ही कहाँ पुट करती हूँ, बायोमास में। ओके, तो अगर एक ट्री है उसका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, सपोज एक बनियान ट्री है, एक बनियान ट्री है उसका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, उसके ऊपर बर्ड्स है, दो बर्ड्स बहुत ज़्यादा नंबर में, दो द बर्ड्स आर इन लार्ज नंबर, बट ओवरऑल अगर उसका बायोमास देखे, वेट देखे, तो उस ट्री के कंपैरिजन में तो उसका वेट कम ही होगा ना, तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो और छोटा ग्राफ आया, इंसेक्ट का तो और भी कम वेट होगा, नंबर ज़्यादा है बट बायोमास के कंटेक्स्ट में कम है। तो देखो अगर नंबर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं इसी सेम एग्जांपल का, तो इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है, बायोमास के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, अपराइट पिरामिड मिलता है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, दूसरा बात करते हैं इसमें एक्वेटिक सिस्टम का। अगर एक एक्वेटिक सिस्टम को उठा के लें तो क्या है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जितने भी यू कैन से बायोमास के कंटेक्स्ट में, सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन को नेक्स्ट कौन खा रहे हैं, जूप्लैंक्टन, तो उनका नंबर सॉरी उनका बायोमास है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको क्या कर रही है, कुछ और बड़ी फिशेस खा रही है लाइक वेल, तो वेल का तो बायोमास बहुत ज़्यादा हुआ ना, देखिए प्लांट का वेट कम है, जूप्लैंक्टन का उससे ज़्यादा वेट होगा, उससे ज़्यादा बायोमास होगा, और वेल का तो सबसे ज़्यादा बायोमास होगा, तो पिरामिड कैसा हो गया ये, दिस इज़ दी इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। किसका एग्जांपल लिया, एक्वेटिक सिस्टम अगर लिया तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, वी गॉट दी इन्वर्टेड पिरामिड। तो दोनों ही, नंबर ले या बायोमास ले, पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, बट अगर एनर्जी की बात करें, चाहे कोई सा भी एग्जांपल ले लूँ, एनी काइंड ऑफ एग्जांपल, इसका ग्राफ हमेशा कैसा रहता है, ऑलवेज अपराइट पोजिशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो एनर्जी सिर्फ 10% जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी, तो हमेशा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा,
कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, ये याद रखना ऑलवेज अपराइट। तो क्लियर है इकोलॉजिकल पिरामिड, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही एक और टॉपिक रह जाता है, दैट इज़ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। वही अपने आप में भी एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। ओके, टिल नाउ अगर यहाँ इस वीडियो में कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।